हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप मेरे चैनल टैक्स विदाउट टीयर्स पर मेरे साथ हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे B2C इनवॉइसिंग के केस में जो डायनामिक QR कोड है उसको लेके क्या क्लैरिफिकेशन है और एक्चुअली ये क्या कॉन्सेप्ट है। इन दोनों बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर GST अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है आपका B2C इनवॉइसेस के केस में जो डायनामिक QR कोड है। दोस्तों, एक साथ हमारे दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए थे, ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट आया था और ये कहीं ना कहीं एक B2C का कॉन्सेप्ट आया था। ये क्यों आया था? क्योंकि अक्सर क्या हो रहा था, आपकी बुक्स ना मैच नहीं हो पा रही थी या सेल्स अगर आपकी कट हो रही थी, आप अपने सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली उसको डिलीट कर रहे थे तो वो कहीं ना मैचिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही थी और गवर्नमेंट को एग्जैक्ट आपकी जो सेल है, परचेज है, वो नहीं पता चल पा रही थी और एक ऑडिट ट्रेल नहीं मेंटेन हो पा रहा था कि क्या आपके ट्रांजेक्शन है, कैसे आपके ट्रांजेक्शन फॉलो हो रहे हैं। तो बेसिस दैट गवर्नमेंट ने क्या किया, ई इनवॉइसिंग लेके आया कि B2B जितने भी ट्रांजैक्शन है, जैसे ही आप इनवॉइस रेज करोगे, हैंड टू हैंड सेम डे आपको ई इनवॉइस भी रेज करना है। और कोई भी ऐसा इनवॉइस, अगर आप पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, तो कोई भी ऐसा इनवॉइस जिसका आपने ई इनवॉइस नहीं इशू कर रखा हो, तो ऐसे केस में वो पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस जो होगा वो वैलिड ही नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स वो सामने वाली पार्टी को एंटाइटल नहीं करेगा कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सके। तो ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट आया B2B इनवॉइसेस के लिए, सेम वेज B2C इनवॉइसेस के लिए आपका कॉन्सेप्ट आया डायनामिक QR कोड का। आपने देखा होगा, नॉर्मली हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, नए कपड़ों पर टैग्स लगे होते हैं, बार कोड स्कैनर होता है, इसी तरीके से आपका एक QR कोड होगा। QR कोड के थ्रू आप पेमेंट भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होगा कि आपने एडवांस पेमेंट करी होगी तो उसमें उस केस में कैसे QR कोड जनरेट होना है, इसके रिस्पेक्ट में काफी सारे सर्कुलर्स आए हैं, बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई है। तो हम बेस नोटिफिकेशन को देखते हैं और फिर क्या चेंज आया है, बेसिकली क्या क्लैरिफिकेशन आई है, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बेस नोटिफिकेशन की तरफ लेके जाती हूँ। जो सबसे पहली हमारी नोटिफिकेशन थी वो थी नोटिफिकेशन नंबर 14/2020, सेंट्रल टैक्स की ये नोटिफिकेशन थी। 21 मार्च को ये नोटिफिकेशन हमारे पास आई थी, तो हम इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। पहले इन्होंने बोला, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स विच आर बीन कॉन्फर्ड बाय द 6 प्रोविजो टू रूल नंबर 46 ऑफ द CGST रूल्स, हेरिन आफ्टर रेफर्स टू एट द सेड रूल्स, The government on the recommendation of the council in superseding of the notification, जो पहले भी इस तरह के नोटिफिकेशन इशू हो रखी थी, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अल्टीमेटली इट हियर बाय नोटिफाइज दैट इनवॉइस विच इज बिंग इशूड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। ऑब्वियसली जो आपके GST के प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, अगर आपने देखा होगा तो वो एक रजिस्टर्ड पर्सन पे ही तो लग रहे हैं। अगर आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो आप GST के प्रोविजन ही क्यों पढ़ोगे? तो अगर आप रजिस्टर्ड हो तो उसके लिए क्या कहा, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017 टू 18 ऑनवर्ड्स, जब से GST आया था 1 जुलाई 2017 से, तब से लेके आज तक अगर आपका टर्नओवर किसी भी साल में एक्सीड किया है 500 करोड़ रुपीज, 500 करोड़ से ज्यादा रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में एंड द रजिस्टर्ड पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आपने सेल करी है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है, दैट मींस आपकी B2C इनवॉइस जो होगी इट शैल हैव, यानी ये कंपल्सरी कंडीशन है कि उसके पास क्या होना चाहिए, एक QR कोड होना चाहिए उसके उस पर्टिकुलर इनवॉइस पे। Provided that where such registered person he makes a dynamic QR code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross reference of the payment using the dynamic QR code shall be deemed to have a QR code. That means basic intention क्या थी कि अगर आपका B2C का invoice है तो ऐसे में हम payment कैसे track करें, क्योंकि हो सकता है कि जो registered person है वो उस particular item को record में ही ना reflect करे। तो इस चलते में हमने ये dynamic QR code का concept लाया कि भाई यहाँ से आप काफी हद तक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर इनवॉइस की पेमेंट आई है। अगर एडवांस होता है तो उस सिचुएशन में कैसा है, इसके रिस्पेक्ट में ना दोस्तों काफी सारे सर्कुलर आ चुके हैं, सर्कुलर 146, 156, इस तरह से सर्कुलर आ चुके हैं और करंट सर्कुलर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको ना बेस सर्कुलर बताती हूँ जिस
अंदर जो बातें लिखी थी उसको मॉडिफाई किया है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है इसमें, ये नोटिफिकेशन है, उन्होंने बोला कि 1 दिसंबर 2020 से ये एप्लीकेबल होगा, बट इसके बाद नोटिफिकेशन आई कि अगर आप इस प्रोविजन को कंप्लाई करना नहीं, आप कंप्लाई करना भूल गए या कंप्लाई नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई भी पेनल्टी या कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आएगा। 30 जून तक ये आपको अलाउड था, यानी पोस्ट दैट आपको इस चीज का ध्यान रखना था कि आप इस पर्टिकुलर प्रोविजन का ध्यान रखिए। अगर आपका टर्नओवर पिछले, जब से जीएसटी आया पिछले किसी भी साल में 500 करोड़ से ज्यादा हुआ है, तो आपको ये डायनामिक क्यूआर कोड वाला कॉन्सेप्ट आपको अडेप्ट करना है। अगर आपने नहीं किया तो आप नॉन कंप्लायंस ऑफ दी मैंडेटरी प्रोविजन करोगे और आप पे अकॉर्डिंगली पेनल्टी अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके सर्कुलर पे एक पे लेके जा रही हूँ दोस्तों। सर्कुलर हम बात करेंगे सर्कुलर नंबर 156 की। इससे पहले जो सर्कुलर आ चुका है ऑलरेडी 146 आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डायनामिक क्यूआर कोड ऑन B2C इनवॉइसेस एंड कंप्लायंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 14, ठीक है, सेंट्रल टैक्स डेटेड 21 मार्च 2020 के रिस्पेक्ट में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए हैं, ठीक है। क्लैरिफिकेशन के रिस्पेक्ट में देखिए नोट जो पहले इसका सर्कुलर आ चुका है वो आपका सर्कुलर नंबर 146 आ चुका है। इसमें दोस्तों एक फोर्थ पॉइंट था, इन्होंने क्या कहा, इस पर्टिकुलर फोर्थ पॉइंट के हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इसी को आगे क्लैरिफाई किया गया। इन्होंने क्या कहा, वेयर द रिसीवर ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर मैं यहाँ पे साथ साथ ड्रॉ करते चले जाऊं, ये इंडिया है, ये आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। आपका सर्विस प्रोवाइडर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, दैट मीन्स, और वो रजिस्टर्ड पर्सन है, ये आप ध्यान रखिएगा। और आपका सर्विस रिसीवर जो है वो आउटसाइड इंडिया हो गया, एंड द पेमेंट इज बीइंग रिसीव्ड बाय द सप्लायर इन फॉरेन एक्सचेंज। यानी इसने जो पेमेंट करी है वो किस में करी है, वो करी है फॉरेक्स में, यानी फॉरेन एक्सचेंज में करी है, थ्रू एन RBI अप्रूव मोड। RBI ने अप्रूव कर रखा है उस मीडियम को, बट एज पर द प्रोविजन ऑफ IGST एक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारा ये पर्सन यहाँ पे है, आप मान के चलो अगर POS आपका इंडिया में ही फॉल कर जाता है, तो हम ऐसी सर्विस को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो नहीं मानेंगे, दिस विल नॉट क्वालिफाई द कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ठीक है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस इज इन इंडिया, देन सच सप्लाई इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। वेदर इन सच केसेस द डायनामिक क्यूआर कोड इज रिक्वायर्ड ऑन द इनवॉइस इशूड फॉर सच सप्लाई ऑफ सर्विस टू सच रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो अगर आप ध्यान दोगे, इन्होंने स्पेसिफिकली किस बात में कहा कि फॉरेक्स आया है RBI के जो अप्रूव मैकेनिज्म है उनके थ्रू, ठीक है, मोड्स है बेसिकली। तो इन्होंने कहा ऐसे केस में आपको क्यूआर कोड बनाने की जरूरत नहीं है। Whenever an invoice is issued to a recipient outside India for a supply of service जिसका place of supply India में है, ठीक है, जो कि आपकी ultimately कोई export of service नहीं है और payment आपके पास foreign currency में आई है जो कि आपका approved medium है, तो ऐसे में it the invoice may be issued without having a dynamic QR code, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायनामिक क्यूआर कोड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायनामिक क्यूआर कोड को लाने का पर्पस क्या था कि हम बिल के साथ उसकी पेमेंट को एक तरह से उसका ट्रेल मेंटेन कर सके। यहाँ पे अगर आप आगे पढ़ोगे तो देखिए, एज सच द डायनामिक क्यूआर कोड इट कैन नॉट बी यूज बाय द रेसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर। तो पेमेंट के पर्सपेक्टिव को देखते हुए लाया गया ये, तो इन्होंने ये बात कही। अब इसमें कंफ्यूजन क्या आई कि अगर सपोज करो यहाँ पे फॉरेक्स नहीं है, उसने INR में पे किया है, ठीक है, तो क्या आप पे ये एप्लीकेबल होगा, डायनामिक क्यूआर कोड आप पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये कंसर्न आ जाती है, क्योंकि इससे ये क्लैरिटी तो नहीं मिल रही है। और अगर INR आता है तो कुछ केसेस में वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होता भी और कुछ केसेस में वो नहीं भी होता है, अगर अनलेस एंड अंटिल वो अप्रूव्ड ना हो, ठीक है। अगर वो नहीं है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और INR में अमाउंट आ रहा है और बाकी सारी चीजें आपकी सेम है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों ये आपके पास सर्कुलर आया है, ये सर्कुलर को अभी हम डील करेंगे। ये रिसेंट सर्कुलर है जो आपका अभी 17 नवंबर को हुआ है, सर्कुलर नंबर 165। तो बेस सर्कुलर 146, उसके अंदर जो कमियां थी उसको इम्प्रोवाइज किया गया 156 में, और उसके बाद जो सर्कुलर आया है वो आया है 165 सर्कुलर। इसमें इन्होंने क्या कहा, वेरियस रेफरेंसेस हैव बीन रिसीव्ड, ठीक है,
various references have been received from the trade and industries in regarding to the clarification on applicability of the dynamic QR code for the compliance of notification number 14, ठीक है, जो अभी हमने base notification लिया, और इसमें क्या represent किया है इन्होंने कि though the service provider is located outside India and the place of supply is in India, the payment is received by the service provider located in India, not in foreign exchange, but through other modes which are approved by the RBI. RBI ने approve किया, वो वाला mechanism से आप payment ले सकते हो, but वो forex नहीं है, ठीक है? So in such cases, अब क्योंकि वो उस particular circular, जो circular number हमने 156 पढ़ा, जिसमें clarification थी, वहाँ पे वो situation covered नहीं है, तो जो industry है, जो taxpayers हैं, जो इस तरह के provisions में basically deal कर रहे हैं, इस तरह के transactions में deal कर रहे हैं, उनको ये confusion आई, उन्होंने ये raise किया concern government के आगे, और government ने ultimately इसको क्या कहा, ultimately क्या clear किया, देखिए, accordingly to clarify the matter further, entry 4 of this circular जो हमने पढ़ी है, it is substituted as below, यानी जो पहले हमने circular number 156 में entry पढ़ी, अब उसमें वो entry 4 जो है, वो वैसे नहीं पढ़ी जाएगी, rather वो कैसे पढ़ी जाएगी, अब उसको और clear कर दिया इन्होंने, देखिए, इन्होंने question को ही redraft कर दिया, in cases where receiver is outside India, payment is being received by the supplier through RBI approved modes of payment, यानी जो forex word था, उस word को ही eliminate कर दिया इन्होंने, अब इसका मतलब क्या हुआ, that means अब कोई भी method से, कोई भी medium से अगर आपके पास payment आती है, जो method RBI ने approve कर रखा है, ऐसे method से कोई भी अगर आपके पास payment आती है इस particular transaction में, जो कि आपकी export of service की condition qualify, classify या qualify नहीं कर पा रही है, तो ऐसे situation में आपके ऊपर dynamic QR code की condition नहीं लगेगी, that means service provider India का है, ठीक है, outside India का जो है आपका service receiver है, अगर इसने approved mechanism से payment करी है, RBI approved medium से, ठीक है, और आपका POS इधर फॉल कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर फॉरेक्स नहीं भी होगा और ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं भी होगा, तो भी आप पे QR कोड जो है, डायनामिक QR कोड का वो कॉन्सेप्ट आप पे नहीं लगेगा, दैट मींस आपको वो कंप्लाई नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इन केस अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने सर्कल में, ताकि जो भी लोग इस तरह के ट्रांजैक्शंस में डील कर रहे हो, उनको इसकी नॉलेज रहे, वो अकॉर्डिंगली अपने कंप्लायंसेस का ध्यान दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।